अपनी बेटियों को, अपने बच्चों को बचाना है तो जाटों को अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी पड़ेगी। और कम से कम एक जाट के घर में तीन बेटे से यदि कम हैं, तो फिर तुम अपने आप को सूरजमल का उत्तराधिकारी मत कहो, अपने आप को सूरजमल और गोकुल जात की कौम का मत कहो। तुम तो फिर एक तरह से इस तरह के कीड़े हुए कि बाहुबल बनाकर एक बार जमीनें कब्जा ली और फिर वो मुसलमानों को दे दी। यही होगा चौधरी साहब, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं। अगर एक जात के घर में तीन से कम बच्चे हुए, लड़के, लड़की तो चाहे 15 कर लो लेकिन लड़के तीन जरूर होने चाहिए। यदि एक जाट के घर में तीन से कम लड़के हुए तो वो जाट अपने वंश का विनाश देख के मरेगा। मैं छोटे बच्चों के लिए बात कहना चाहता हूं, और केवल जाटों को कोई बद्दुआ नहीं दे रहा हूं, मैं भविष्य बता रहा हूं। और केवल जाट नहीं, हम भी मरेंगे, गुजर भी मरेंगे, त्यागी भी मरेंगे, सब मरेंगे, लेकिन सब इतने ताकतवर नहीं है जितनी कौम जाट ताकतवर है। और एक समय जाटों की एकता की मिसाल दी जाती थी, जाटों के जत्थे जहां खड़े हो जाते थे लोग अपने आप को हिंदू सुरक्षित महसूस करते थे। आज भी ये जाटों की जिम्मेदारी है कि बाकी जितनी कौम हिंदुओं की है वो उनके साथ रहकर अपने आप को सुरक्षित महसूस करें, और जो धर्म के दुश्मन हैं उनके दिलों में हमारा भय होना चाहिए। और एक बात और कहना चाहता हूं, पहले जाट किसान था लेकिन जाट अपने घर में तलवार जरूर रखता था, हथियार जरूर रखता था। आज जाट जमींदार है, 40 लाख की गाड़ी लेके चलता है, 2 करोड़ के मकान में रहता है, 50-60 हजार का मोबाइल रखता है, लेकिन अगर आज आप देखो तो जाटों के घरों में अब हथियार नहीं रह गए। एक मर्द को अपने हथियारों से इतना प्यार करना चाहिए जितना एक औरत अपने मंगलसूत्र से करती है, जितना एक औरत अपने सोने के आभूषणों से प्यार करती है। यदि किसी व्यक्ति को हथियारों से इतना प्यार नहीं है तो उसे अपने आप को मर्द कहने का अधिकार नहीं है। पता नहीं मैं ठीक बोला गलत बोला, लेकिन जो भी बोला बाबा के सामने ऐसे ही बोलना पड़ता भैया, नहीं तो बाबा कहते स्वामी जी तुम तो आए भी और कुछ नहीं कहा। बाबा ने डर भी तो बहुत लगता है, ये सबको डांटते, बाबा जी सबको डांटते, इसीलिए तो नाम इनका बाबा पड़ा है। कितनी उम्र भाई, हम भी बाबा ही कहते हैं इन्हें, हमसे आधी उम्र के होंगे पर बाबा ही कहते हैं भाई, क्योंकि सारी दुनिया भी इन्हें बाबा ही कहती है। तो मैं बाबा को फिर से नमन करता हूँ, आप सबको नमन करता हूँ। जरा 3 बार सभी मेरे साथ बोलेंगे, बोलिए हरे हरे महादेव, हरे हरे।